नमस्कार, मेरा नाम रुपेश, आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज लाइव। आज हम जीरो ग्राउंड पे न्यू शिवपुरी रिक चलेंगे और वहां पर आपको जोड़ेंगे हमारे संवाददाता मले जी के साथ। और ये वार्ड नंबर है 24। इस वार्ड नंबर 24 पे अभी जो यहाँ के वार्ड पार्षद हैं, इनका नाम है विजय श्रीवास्तव, इनसे अभी इनकी भी बात करेंगे और यहाँ पर जो जनता है, यहाँ की जो स्थानीय निवासी है, उनसे भी बात करेंगे। उससे पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ की समस्या इतनी बड़ी है, यहाँ पर घुटने से भी ज्यादा पानी भरा हुआ है और ये नीच शिवपुरी कह के इलाका जो है, इस इलाके में बच्चे भी कई बार डूब के घायल हो चुके हैं। लोग जब वहां से रास्ते से पार करते हैं तो वो रास्ते में आप देखेंगे कि जो मतलब लोग आधा पूरा मतलब घुटने से ऊपर तक कपड़ा करके ही बाहर पार कर पाते हैं। रात के समय में कोई वहां पर यात्रा तक नहीं करना चाहता है, इतना मतलब ये शहरी क्षेत्र की ये हालत है। जरा जानते हैं हमारे संवाददाता से, ग्राउंड जीरो पे मले जी से जानते हैं कि जो आखिर वहां की क्या स्थिति है। मले जी, बताएं आप अभी कहाँ हैं और क्या क्या हो रहा है वहाँ पर। जी, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ, न्यू शिवपुरी का ये मोहल्ला कहलाता है और आप देखिए मेरे पीछे तस्वीरों में क्या हाल है। लोग बाइक से चले आ रहे हैं और पूरा चक्का पानी में डूबा हुआ है, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। और हम आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि वार्ड नंबर 24 का ये इलाका है और विजय श्रीवास्तव इसके वार्ड पार्षद हैं। हमारे ठीक सामने NH31 से भी ये रास्ता जुड़ता है, जो कि रजनी चौक और भट्टा बाजार और फिर बाई तरफ पॉलिटेक्निक से होते हुए भी यह NH को जोड़ता है। जबकि मैं जहां खड़ा हूं, ये रास्ता पानी से भरा हुआ है और यहां से होते हुए ये नेवालाल चौक को भी जोड़ता है। इतनी महत्वपूर्ण सड़क होने के बाद भी इसकी ऐसी स्थिति है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, लगभग 4 से 5 फीट पानी लगा हुआ है लोगों के घरों के सामने, दोनों ओर घर है, लेकिन समस्या ये है कि वो जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि जाने का एकमात्र विकल्प यही रास्ता बचा है, जिसके कारण लोगों को ये दिक्कत हो रही है। लोगों का कहना है कि जब पार्षद से गुहार लगाते हैं तो कोई इनकी कुछ सुनता नहीं है, लिहाजा ये पानी भरे रास्ते में चलने को मजबूर है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या स्थिति है। आप बताइए क्या स्थिति, कितने दिनों से है? बहुत दिन से सर, गर्मी में ऐसा ही हालत रहता है, जब भी रोड टूटा हुआ है हरदम पानी कम और चलना मुश्किल रहता है, पैदल चलना मुश्किल रहता है। अच्छा, ये रास्ता कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये जाती है नेवालाल चौक। कौन है पार्षद आपके? ये विजय श्रीवास्तव है, वार्ड चौबीस। क्या कहते हैं आप लोग, उनसे बात कर क्या कहा, कहाँ जाते हैं आप? आते हैं, देख के चले जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है, कुछ नहीं होता। वो भी इसी रास्ते से? रोड बना हुआ? नहीं, रोड नहीं बना हुआ है। रोड बना ही हुआ है? नहीं, नाली बना हुआ, नहीं रोड बना हुआ है, कुछ नहीं, कुछ नहीं बना हुआ। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ लगभग, जो इलाका है लगभग? जी, 8-10 हज़ार। हाँ, घनी आबादी है इसमें, इसके बगल में लाइन बस्ती है। टैक्स लेते हैं आप? हाँ, हम लोग नगर निगम का टैक्स देते हैं। फिर इस तरह की क्या माने, कहाँ कमी? ये तो मतलब नेता मंत्री कमी है, जो ध्यान नहीं देते हैं। आते हैं, देख के चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते, कुछ नहीं करते, कोई नहीं करते। चलिए, एक और व्यक्ति हमारे साथ चुप गए हैं, वो मोहल्ले से ही निकल के आ रहे हैं, उनसे स्थिति। जब जब बारिश होती है तो यही स्थिति रहती है। देखिए ना कि रोड जो है नेवालाल चौक जाती है, आगे से दो रास्ता हो जाता है, एक नेवालाल चौक जाती है, एक मोहल्ले में जाती है, और दोनों का यही हाल है। जब भी बारिश होती है तो ठेवना पर पानी 2 फीट 2.5 फीट जम जाता है। क्या कहते हैं पार्षद आपके? पार्षद यही बोलते हैं बन जाएगा, लेकिन बनता कहाँ है। आपको आश्वासन देते हैं? आश्वासन देते हैं। आपके नेता जी जो हैं विधायक, वो क्या विधायक जी से तो अभी भेंट नहीं हुआ है? आप लोगों ने कहा है उनको इसके बारे में? अभी इधर तो भेंट नहीं हुआ, तो कैसे क्या परेशानी होती है? पानी के पीछे आना पड़ रहा है? हाँ, पानी के पीछे डर भी बना रहता है। मले जी, उनसे पूछिए कि जो वहाँ के जो स्थानीय निवासी, वहाँ के जो स्थान जी, मले जी उनसे नहीं दे रहा है सरकार की ओर से, विकास के रोड पर रोड किए जाते हैं,
परेशान हैं, बजाता ये टैक्स देते हैं जी, लेकिन इन लोगों की समस्या जस की तस है जी। जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे मतलब वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, महिलाएं और बच्चे उस मतलब कि उस सड़क को कैसे पार करते हैं, इतना पानी अगर वहाँ लगा हुआ होता है तो कोई व्यवस्था क्या उन लोगों ने, कभी कोई व्यवस्था है ही नहीं, तो मजबूरन इनका घर है तो ये पानी के बीच ही चल रहे हैं, पानी के बीच ही आ जा रहे हैं, देखते कोई नहीं है और जिनसे ये मदद की गुहार लगाते हैं वो नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि पार्षद से कहा जाता है तो वो कहते हैं कि काम हो जाएगा, लेकिन कब कोई नहीं जानता। अच्छा, मतलब कि वो आश्वासन दे रहे हैं कि जो काम हो जाएगा, लेकिन काम जी होता हाँ, नहीं काम है। और उसके अलावा विधायक जी कभी दर्शन दिए इन लोगों को, विधायक जी ने कोई आश्वासन दिया इन लोगों को कुछ कहा? जो लोगों से बात हुई तो इनका इन लोगों का कहना है कि कोई भी इस ओर नहीं आते हैं, दर्शन नहीं देते, जिसके कारण ये स्थिति ऐसी स्थिति बनी हुई है। और न नाले की व्यवस्था है और न ही कोई यह बता रहा है कि आखिर कब तक जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, इनका समाधान कब होगा और कौन करेगा ये समाधान? 4 महीने से पानी लगा रहता है, 4 महीने से पानी लगा हुआ, इसलिए नहीं आता। वार्ड पार्षद कोई नहीं, पानी में रहते हैं आप लोग? पानी में नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे, पानी लगेगा तो गड्ढा में पानी भरा हुआ है 4 महीने से। कहाँ से कहाँ रास्ता जाता है? वहाँ जाता है मुसहरी, रास्ता सीधे नौलाल चौक में, नौलाल चौक। रास्ते के बीच से गुजर रही थी तो क्या लग रहा है कि कहाँ कमी है? ये वार्ड में इस तरह का जो पानी लगा हुआ है, क्या परेशानी हो रही है आपको? बहुत हो रही है सर, क्योंकि अभी तो आ रहे थे तो काफ़ी टाइम लग रहा था कहीं गिर न जाए, खराब हुआ तो है नहीं ठीक से, मतलब ये रोड भी खराब है। हाँ, रोड भी खराब है, बच्चे लोग को भी आने में दिक्कत होता है, तो क्यों नहीं आने। मानी ये आवासीय इलाका है, इस तरह पानी जमा हुआ है तो क्या आप लोग वार्ड पार्षद से नहीं बोलते हैं? क्या कहते हैं वो, काम होने के बारे में कुछ बताते हैं? वार्ड पार्षद तो कुछ कभी देखने कुछ नहीं बोलते, नहीं आते हैं। और रात के समय क्या रहता है, रात के समय इधर लोग जाते हैं या नहीं? जाते हैं, रात में तो जाते हैं। डर बना हुआ रहता है, दिक्कत हो रहा है, लगा हुआ है जो पानी लागल है जी, न तो आने में होता है, तंग रहते हैं, न मोटरसाइकिल है, रिक्शा जो भी है सब फंस जाता है बीच पानी में। लोग नहीं आना चाहता इधर? नहीं, कोई नहीं आना चाहता है। तो फिर इसी इधर जो आदमी रहता है तो जाता कैसे है, कैसे निकलता है? बहुत मुश्किल से निकलता है, पानी के बीच में, पानी के बीच में हेल कर निकलता है। कहाँ जाता है रास्ता? ये जाता नेवालाल चौक यहाँ से। हाँ जी, कौन सा जगह है ये? है फराबर मिल। हम इस वक्त मौजूद हैं फ्लावर मिल के नज़दीक, न्यूसीपुरी मोहल्ले के पास, और आप तस्वीरों में देखिए कि पानी की क्या स्थिति है, पूरा जल जमाव है और इतना ज़्यादा पानी लगा हुआ है कि लोग इस रास्ते से जाना नहीं चाहते हैं। जो भी गाड़ियां गुजर रही हैं वह अनुमान नहीं लगा पा रहा है कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ पानी है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। अभी एक यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं, इधर से गुजर रहे थे तो इन्होंने कहा कि काफ़ी परेशानी है, आप मेरा भी दर्द सुन लीजिए, तो इनसे जानते हैं क्या दिक्कत है। बहुत दिक्कत है आने जाने में, बच्चे सबका ट्यूशन पढ़ाई बंद है, फ्रावर मिल के बगल में ट्यूशन पढ़ते हैं उसका ट्यूशन बंद कर दिए हैं, अभी 10th क्लास में पढ़ रही है बच्चा। कहाँ से कहाँ तक ये पानी की स्थिति? यहाँ से लेके नेवालाल चौक और प्लस इधर न्यूसीपुरी पूरा। कौन है पार्षद आपके वार्ड पर, कितना नंबर वार्ड में है? 24 वार्ड में है। कौन है पार्षद आपके? क्या कभी काम होता हुआ दिखता कभी है? काम नहीं, कुछ काम नहीं करते, चुपचाप जब से जीते हैं तब से बैठे हुए हैं। तो जल निकासी कोई व्यवस्था? कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं है। तो माने कि इस इलाके के लोग जो हैं तो फिर कैसे जा रहे हैं? बहुत दिक्कत से जा रहे हैं, इतना दिक्कत है कि ना पीने में जो चलते हैं चलते 6:30-5 बजे बाद में साफ स्टॉप हो जाते हैं, पूरा सब को अपना अपना घर में रहते हैं, बस दिक्कतदारी से। अभी कोरोना का काल है, इससे गंदा पानी लगता है, बहुत दिक्कत है सर, बहुत दिक्कत है।
कहाँ दोनों साइड कितना पानी लगा है? उधर तो ज्यादा पानी है। अच्छा रोड भी खराब है? रोड भी खराब है। कहाँ से कहाँ तक ये रास्ता जाता है? पूरा यहाँ से लेके उधर तक, धन्यवाद, चौक तक जाता है ये। इन समस्याओं से रूबरू कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मलय जी। अभी आप सुन रहे थे न्यू शिवपुरी कॉलोनी जो पूर्णिया में स्थित है, और ये इलाका एक ऐसा इलाका है जिस इलाके में बहुत इम्पोर्टेंट रास्तों को ये जोड़ता है, बहुत सारे महत्वपूर्ण रास्तों को ये रास्ता जोड़ता है, लेकिन इन रास्तों में, इन मोहल्लों में इतना पानी लगा हुआ है कि वहां पे लोग बच्चे दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, और महिलाओं को भी आने जाने में समस्याएं होती है। आधी से ज्यादा मोटरसाइकिल जो है उसमें डूब जाती है। अभी तो बारिश हुई है, बाढ़ अगर आ गया तब क्या होगा? अगर पूर्णिया शहर की ये हालत है तो गांवों का क्या हाल होगा, जरा सोचें। जीरो ग्राउंड पे आपको गली गली मोहल्ले मोहल्ले तक का हम नजारा दिखाएंगे। हमारे विधायक जी ने, हमारे पार्षद ने, हमारे मेयर ने क्या काम किया है। आज पूर्णिया में हम लोगों ने न्यू शिवपुरी कॉलोनी को कवर किया है। फिर अगले दिन अगले कोई किसी वार्ड में चलेंगे और फिर से आपको रूबरू कराएंगे वहां की जनता से, वहां के लोगों से। हमारे संवाददाता आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और आपके इस समस्याओं को सुनेंगे, और हम लोग सरकार तक आपकी आवाज जरूर पहुंचाएंगे। तब तक बने रहें, प्रत्येक न्यूज को देखते रहें, प्रत्येक न्यूज लाइव को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।